और रांची के ध्रुवा के लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर घटिया निर्माण को लेकर नगर निगम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। लाइट हाउस के लाभुकों ने भवन के निर्माण के घटिया सामान का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही लाभुकों ने पैसे वापस करने की मांग की है। साथ ही रांची नगर निगम को 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है। और किसी भी परिवार वालों के लिए एक बड़ा सपना होता है कि उसका अपना खुद का मकान हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ध्रुवा में लाइट हाउस का निर्माण किया जा रहा है और जो लाभुक हैं वो आरोप लगा रहे हैं लापरवाह नगर निगम के ऊपर कि जो लाइट हाउस का निर्माण किया जा रहा है वो निर्माण कार्य घटिया है और इस निर्माण कार्य में जो सामग्री लगाए जा रहे हैं वो गलत सामग्री लगाए जा रहे हैं। आप देखिए कि रांची नगर निगम कार्यालय के समक्ष यह जो लाभुक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि या तो ध्रुवा स्थित लाइट हाउस का बेहतर सामग्री से निर्माण कराया जाए या फिर इनका पैसा इन्हें वापस दिया जाए। किसी भी आदमी का सपना होता है, खासकर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास पैसा कम होता है, एक एक पैसा जुटाकर आप लोग घर बनाते हैं। क्या दिक्कत है लाइट हाउस में आप लोग? दिक्कत हम लोग को कुछ नहीं सर, हम लोग तो सोचे थे कि मोदी जी का है प्रधानमंत्री आवास योजना तो हम लोग को अच्छा घर मिलेगा, लेकिन अब जो ये धराशायी हो गई है तो हम लोग तो डर गए कि बिना वहाँ रहे हुए मकान धराशायी हो गई, अब जब हम लोग रहने जाएंगे तो क्या हालत होगा। इसलिए से हम लोग थोड़ा अपना तसल्ली के लिए जांच करवाना चाह रहे हैं कि या तो अच्छा जगह पर फिर से बना के दें या उसको जांच करा के हम लोग को तसल्ली दे कि हाँ घर अच्छा है, यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं होगा, कभी जान माल का नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने जिस तरह से आरोप लगाया है, अगर मान लीजिए निर्माण कार्य पूरा हो जाता है फिर भी आप लोग तो डर के साए में रहेंगे कि कब मकान गिर जाएगा, कब कोई बड़ा हादसा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कोई आदमी है और एक गरीब आदमी जब घर बनाता है तो उसका सपना होता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां उस घर में रहेंगी। अब आप खुद सोचिए कि क्या विडंबना है कि जब निर्माणाधीन मकान ही गिर जा रहा है तो आने वाले 50 और 100 साल तक जब ये लाभुक और इनके बच्चे वहाँ रहेंगे तो कितना बड़ा रिस्क लेकर वहाँ पर रहेंगे लोग। और अगर 15 दिनों के अंदर संबद्ध अधिकारियों ने और संबद्ध अथॉरिटीज ने अगर इस पर कार्रवाई नहीं की तो इनका कार्यक्रम है और हम एक बड़ा धरना कार्यक्रम करेंगे और नगर आयुक्त के सामने ज्ञापन भी देंगे और यहाँ प्रदर्शन भी करेंगे। बिल्कुल, आप लाभुकों को जो है वो घटिया निर्माण कार्य दिख जा रहा है लेकिन निगम के जो अधिकारी हैं, जो हाकिम हैं, वो भी जा रहे हैं समय समय पे निरीक्षण के लिए, उन्हें नहीं दिख रहा है घटिया निर्माण? सर ये तो इसलिए नहीं दिन को दिख रहा होगा क्योंकि निर्माण कार्य में घटिया है या अच्छा है वो तो तब तो पता चलेगा जब वहाँ जाएंगे। अधिकतर जब भी हम लोग देखने जाते हैं तो हम लोग को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है कि आप लोग को अंदर नहीं जाना है, आप लोग निगम से अथॉरिटी लेके आइए। हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग अपना ये आंदोलन जारी रखेंगे। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है इन लाभुकों ने कि अगर निगम के अधिकारियों के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तो लाइट हाउस के जो लाभुक हैं वो पैसे वापसी की भी मांग कर सकते हैं। अपने सहयोगी गुड्डू के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।